हेलो एवरीवन, आई एम प्रणय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यूट्यूब चैनल। तो भैया, आज हम लोग टीसीएस एनक्यूटी सीरीज का अपने थर्ड पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग कोडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जार है, वो एक मॉल काउंटर पर रखा हुआ है और उसकी कैपेसिटी जो है वो एन है, मतलब उसके अंदर एन कैंडीज आ सकती हैं, ठीक है, मैक्सिमम पे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि भैया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर एम कैंडीज हैं, मतलब मान लो मैक्सिमम कैंडीज 10 आ सकती हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर 8 कैंडीज हैं तो वो एम हो गया, और मैक्सिमम कैंडीज जो आ सकती हैं वो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वेयर एम इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि कैंडीज आर सर्व टू द कस्टमर्स, ठीक है, और जार इज नेवर रिमेन एम्प्टी एज वेन लास्ट के कैंडीज आर लेफ्ट, ठीक है। तो जार जो है वो एम्प्टी तो कभी नहीं होगा, और उसके अंदर ये भी इनने सेट किया हुआ है कि जो कम से कम वहां के कैंडीज होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। के कैंडीज मान लो मैंने 5 सेट कर दिया, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कम से कम 5 कैंडीज होनी ही होनी चाहिए, और उसके नीचे नहीं जाएगा नंबर हमारा, ठीक है। और जैसे ही अगर के कैंडीज पे पहुंचा, मतलब 5 कैंडीज बची उसमें, तो वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, वापस जार को रिफिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट द अबव सिनारियो और डिस्प्ले जार एट काउंटर विद अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा जार है उसके अंदर कितनी अवेलेबल कैंडीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, इनपुट शुड बी द नंबर ऑफ कैंडीज वन कस्टमर कैन ऑर्डर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनपुट क्या होना चाहिए कि एक कस्टमर कितनी कैंडीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑर्डर कर सकता है। फिर अपडेट द जार आफ्टर ईच परचेज एंड डिस्प्ले जार एट काउंटर, ठीक है। तो हम लोगों को, जैसे मान लो एक कस्टमर आया, कस्टमर ने कुछ कैंडीज खरीदी, और उसके बाद हम लोगों को क्या लगातार उसे हर एक कस्टमर के बाद अपडेट करना है कि भाई इनने इतनी कैंडीज खरीदी हैं और इसमें इतनी बची हैं, और हमें ये डिस्प्ले करना है कि कितनी कैंडीज हमारे उसमें बची हुई हैं जार में, ठीक है। तो आउटपुट क्या बोल रहा है, देखो, आउटपुट शुड गिव नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड एंड अपडेटेड नंबर ऑफ कैंडीज इन जार, ठीक है। तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, ठीक है, और अपडेटेड नंबर ऑफ कैंडीज इन जार, कि कितनी कैंडीज सोल्ड हो चुकी हैं और कितनी नंबर ऑफ कैंडीज बची हुई हैं वहां पे, ठीक है। इफ इनपुट इज मोर देन कैंडीज इन जार रिटर्न इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर इनपुट कुछ एक्स्ट्रा होता है, मान लो अगर हमारे पास 10 कैंडीज हैं तो उसमें 11 या 12 कैंडीज कोई बोल देता है, इनपुट कर देता है कि हाँ भाई 12 कैंडीज चाहिए, तो क्या बोलेंगे उससे कि भैया इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। अपने पास गिवन चीजें क्या है कि एन जो है हमारा वो 10 है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज जो इस जार में मैक्सिमम आ सकती है वो 10 है, और मिनिमम क्या है के जो है वो 5 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम दिया हुआ है के इज इक्वल टू 5, ठीक है। एग्जाम्पल वन, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनपुट वैल्यू अगर हम लोग 3 करते हैं तो 3 कैंडीज बिक जानी चाहिए, तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए कि नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड कितनी बिकी, 3, मतलब वही नंबर हम लोग को जो इनपुट है वही नंबर हम लोगों को आगे यहाँ दे देना है नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड में, ठीक है। और सेकेंड है नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल कितनी बचेंगी, 10 माइनस 3, वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। अगर वही इनपुट 0 दे देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया आपका इनपुट इनवैलिड है, ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है, और नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट कितनी है, 10, ठीक है। तो ये चीज करनी है। तो अभी हम लोग कोड पे आते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था आपसे कि अपन जावा पे भी देखेंगे कोड, तो जावा भी करेंगे और भी लैंग्वेजेस भी कवर किया जाएगा, तो इस ये वाला हम लोग जावा पे करते हैं, ठीक है। चलो तो भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो क्या हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, स्कैनर तो कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग पब्लिक क्लास मेन। अब एक चीज देखो, अच्छा वॉइड मेन, अरे मेन क्लास भी तो है, अपने आप ही दे दिया इसने, पब्लिक क्लास मेन। चलो इन्होंने हमारा कुछ काम आसान कर दिया, ठीक है।
पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेट आना पड़ेगा इसको, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। चलो ठीक है, तो अभी ये देखो, ये जो पब्लिक क्लास मेन मैंने क्यों लिखा, मैंने मुझे क्लास के नाम के हिसाब से देना चाहिए था, मतलब जैसे कैंडीज है या जार ऐसा कुछ नाम देना चाहिए था, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं दिया, ठीक है। अब जो ये जावा 8 आई है ना, जावा 8 के अंदर एक रूल है कि अगर हम लोग कोई क्लास पब्लिक डिफाइन करते हैं तो हम लोग को उसका नाम मेन ही देना पड़ेगा, यही नाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग को अपने इच्छा अनुसार नाम देना है, ठीक है, तो प्राइवेट क्लास करके उसका, क्लास को प्राइवेट करके बनाना होगा तब नाम देना होगा, ठीक है, ये चीज समझे। नाउ अपना ये तैयार हो गया है, हाँ चलो। अरे ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया ना, 1 2 इसको हटा देते हैं, इसका ये ब्रैकेट हो गया, इसका ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ठीक है। चलो तो अब भैया अपने को क्या करना पड़ेगा, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर एन, ठीक है, बड़ा एन ले लेते हैं। एन में पहले से हमें पता है कि 10 है, और के डिफाइन कर लेते हैं जिसमें क्या रहेगा 5, ठीक। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि इंटीजर हम लोगों को क्या लेना था, एक हम लोगों को बाहर से वैल्यू लेनी थी, मान लो हम लोग नम ले लेते हैं, ठीक। चलो हम लोग बोल रहे हैं भैया स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। चलो तो अब हम लोग नम को इनपुट करवा लेते हैं यूजर से, नम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये नम हमारा इनपुट हो जाएगा यूजर से। चलो अब एक चीज समझो कि अगर जो हम लोग नम इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, वो अगर 1 से लेके 5 तक है तो ठीक है, अगर वो 1 से लेके 5 तक नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस केस में देखो यहाँ पे n जो है, n अपना क्या है 10 है, k जो है वो अपना क्या है 5, मतलब मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है उसमें कैंडीज का, वो 10 हो सकता है और मिनिमम 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे मान लो नम में हमने 6 ले लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने 6 एंटर करवा लिया तो n में क्या है 10 है, 10 मैंने 6 करेगा तो 4 आ गया, मगर मिनिमम तो 5 ही आना चाहिए, 5 से नीचे नहीं आना चाहिए, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या चेक, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ नम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड एंड नम इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपने को क्या प्रिंट करवाना था, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कि नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड कितनी है और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल कितनी है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड अपनी क्या होंगी, नम ही होगा, राइट। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग क्या होंगी, प्लस एन माइनस नम, तो इतनी कैंडीज रिमेनिंग आ गई, ठीक है। एल्स अगर कोई भी केस होता है तो उसमें हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, इन दोनों को यहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, कुछ अपनी मेहनत बचाई जाए और टाइम भी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग भी हम लोगों को शायद प्रिंट करवाना है, हाँ ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, यहां बस एन प्रिंट करवाएंगे। क्यों एन प्रिंट करवाया जाएगा, क्योंकि
लास्ट में अगर हम लोग वो नम इनवैलिड होगा ठीक है, तो हम लोग क्या करा देंगे कि जितनी कैंडीज उसमें पड़ी हुई हैं वो वही हम लोग प्रिंट करवा देंगे, देख लेते हैं ठीक है। और हमने मान लो ये रन कराया और यहाँ मान लो हमने 3 डाल दिया, तो देखो ये चीज़ सही आ गई, आउटपुट सही आया 3 और 7 ठीक। और हम लोग एक बार कुछ इनवैलिड टाइप का डाल के देखते हैं, लाइक मैंने डाल दिया यहाँ 6 ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट और नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग 10 ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अभी और अच्छी अच्छी वीडियोज आने को हैं, राइट ओके सो थैंक यू सो मच।